महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाविकास आघाड़ी के घटक दल भी सीट शेयरिंग के मसले पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर फाइनल तौर से कोई फैसला नहीं हो पाया। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उम्मीदवारों की लिस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद लिस्ट आएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने आगे कहा, 62 सीटें क्लियर कर ली गई है, 20 अक्टूबर को हमारी सीईसी की बैठक होगी। नांदेड़ संसदीय उपचुनाव के लिए हमने सिर्फ एक नाम सुझाया है, जिसमें वसंतराव चौहान के बेटे का नाम सुझाया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाविकास आघाड़ी के घटक दल भी सीट शेयरिंग के मसले पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर फाइनल तौर से कोई फैसला नहीं हो पाया। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उम्मीदवारों की लिस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद लिस्ट आएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने आगे कहा, 62 सीटें क्लियर कर ली गई है, 20 अक्टूबर को हमारी सीईसी की बैठक होगी। नांदेड़ संसदीय उपचुनाव के लिए हमने सिर्फ एक नाम सुझाया है, जिसमें वसंतराव चौहान के बेटे का नाम सुझाया गया है।